थैंक यू सो मच. मेरा पहली बार मैं दिल्ली में मैंने शो किया, और आप सभी के आशीर्वाद से, मेरी महादेव के आशीर्वाद से, और मेरे DPIF की पूरी फैमिली की, और साथ में मेरे लवली वाइफ अंकिता जाना, मेरा लवली ब्रदर बैरुजेन, और साथ में मेरी डॉटर अभिका, और तमाम DPIF के टीम मेंबर की माध्यम से, और दिल्ली के हमारे जो युवा प्रेसिडेंट हैं मदन दास, और साथ में दिल्ली प्रेसिडेंट हमारे अजय शर्मा साहब, और हमारे लीगल एडवाइज़र हमारे रविंदर जी और हमारे शैलेश दुबे जी. तो इन सभी के आशीर्वाद से, इन सभी की दुआ से मैं पहली बार दिल्ली गया था, डरा हुआ था. मैं सच बोलूँ तो दिल्ली दिलवाले को है, लेकिन छोटे लोग इतने हैं दिल्ली में, तो मैं डर गया था बेसिकली. मैं पता नहीं क्या होगा, और सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब हर मोड़े में झूठ चल रहा था वहाँ पर. लेकिन महादेव का आशीर्वाद बोलते हैं ना भाई, तुम कुछ काम में निकल पड़े हो, उस काम को तुम्हें करना है और अंजाम तक आपको लेके जाना है, तो वो काम तो होना ही है. तो जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, लोगों ने बोला चिंता मत करना चाहिए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, पीछे तेरा कोई नहीं है, खाली दीदी और मैं खड़ा हूँ, और हमारे मदन दास. तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ रविंदर जी को, जो हमारे नेशनल लीगल एडवाइज़र है, और साथ में जो दिल्ली स्टेट है प्रेसिडेंट है अजय शर्मा जी, उनकी पूरी टीम, उनके भाई संजय जी, इसके अलावा मदन दास बोल के हैं जो हमारे युवा अध्यक्ष दिल्ली के, इन लोगों ने जो साथ दिया मुझे, और इन लोगों ने जिस तरीके से मुझे साथ देने के बाद जिस तरीके से मैंने काम किया दिल्ली में, इसके अलावा काफ़ी लोगों ने साथ दिया, जैसे मरीज भाई हैं हमारे बॉम्बे से, इसके अलावा डॉक्टर अजय साई है जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने, काफ़ी सारे नाम है, मैं थक जाएंगे नाम देखने के. उन सभी के आशीर्वाद से जिस तरीके से हमने काम किया, ये शो किया जिसका नाम है द DPIF आइकॉनिक अवार्ड, और DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो, ये बहुत ही अच्छा से किया हमने. मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार रजा मुराद साहब और सुरेंद्र पाल साहब, ऐसे तमाम स्टार यहाँ से गए थे. मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री मेरे गुरुजी पुरुषोत्तम रूपरा सर, और इसके अलावा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भारत सरकार के फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और इसके अलावा तमाम और मिनिस्टर्स MLA MP, इन सभी ने मुझे बहुत साथ दिया, और सभी ने शो में आने के बाद शो में और जान आ गया. तो काफ़ी सारे MP, काफ़ी सारे मिनिस्टर, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे समाज सेवक, काफ़ी सारे वहाँ पर, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उस शो में आए थे, और बॉम्बे से काफ़ी सारे लोग गए थे, जैसे काफ़ी सारे जब स्टार हो गया, सिंगर हो गया, कॉमेडियन हो गए, ऐसे सारे काफ़ी सारे वहाँ पर, निवेदिता वाशु वहाँ पर गए थे, और बहुत अच्छा उन्होंने मुझे साथ दिया, ऐसे काफ़ी सारे लोग गए थे. तो ये सब जाने के बाद ये शो इतना अच्छा हो गया. तो बस DPIF आइकॉनिक अवार्ड, इस नाम को, इस ब्रांड को हम लोग हर स्टेट में लेके जा रहे हैं, और मैं मीडिया को लेके जा नहीं पाया, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ा मेरे को, इसलिए इस साल मैं मीडिया को लेके नहीं गया. तो DPIF आइकॉनिक अवार्ड एंड DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो, और DPIF स्टेट पुलिस, मतलब किसी भी स्टेट का जो पुलिस है हमारे हिंदुस्तान के, स्टेट पुलिस का आइकॉनिक अवार्ड, ये तीन जो हम लोग जो अवार्ड का निर्णय लिया है, ये तीन अवार्ड हर स्टेट में होने जा रहे हैं हमारा. द DPIF आइकॉनिक अवार्ड, द DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो, एंड DPIF किसी भी स्टेट के पुलिस आइकॉनिक अवार्ड. जैसा इस साल हमारी 30 तारीख को, मतलब 30 अप्रैल को कोटा में एक बेहतरीन अवार्ड शो होने जा रहा है, जिसका नाम है द DPIF राजस्थान पुलिस आइकॉनिक अवार्ड. मतलब हम राजस्थान पुलिस को हम सम्मान करने जा रहे हैं, और ये 30 तारीख को होने जा रहे हैं कोटा में, जहाँ पर कुलविंदर सिंह साहब जो है हमारे
वो वहाँ का अध्यक्ष है, वो पूरा बेरा उठाया है इस काम के ऊपर, उनके ऊपर टीम पूरी, देवेंद्र सिंह जो है पूरा उनकी टीम उसके साथ में, उनकी टीम के साथ में हमारा टीम DPR की टीम, ये पूरा मिलके राजस्थान में इसी 30 अप्रैल को कोटा में एक बेहतरीन शो होने जा रहा है। मैं हमारे युवा अध्यक्ष को मैं धन्यवाद करता हूँ, गौरव शाह, वो बहुत मतलब साथ दिया उनके, गौतम जी है हमारे, उत्तम जी है, उत्तम बंसल जो है उन्होंने बहुत साथ दिया, मतलब सभी लोगों ने DPR के, जो जो लोगों ने दिल्ली गए थे, मतलब हमारे संपूरा दीप्ति संपूरा, पराग संपूरा, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी घर के पूरे लोग, मतलब मेरे अंकिता के जो पूरी माँ बाप सब गए थे, तो सभी का मतलब सपोर्ट मिला सर। ये भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस के लिए आप कर रहे हैं अकेडमी का अवार्ड, मुंबई पुलिस के लिए भी करने वाले हैं, ऐसी कोई सोच है, ऐसी कोई मंशा है आपकी आगे चल के? हाँ, ये आपने सही पूछा सर, क्योंकि जिस मुंबई शहर में मैं हूँ तो उस मुंबई पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं हिंदुस्तान के तमाम जितनी भी स्टेट के पुलिस है उन सभी पुलिस को, सभी आर्मी को मैं नमन करता हूँ, मैं सर झुका के। और जिस मुंबई में मैं रहता हूँ, जिस मुंबई में मैं रह के बड़ा हो रहा हूँ, जिस मुंबई में रह के मैं काम कर रहा हूँ, तो सबसे लोग बोलते हैं सबसे प्यारा अगर पुलिस है तो मुंबई पुलिस है, तो सभी पुलिस अच्छा है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं और मैं देखा हूँ हमारी मुंबई पुलिस बहुत ही प्यारे हैं। इस मुंबई पुलिस के लिए हम लोग एक बेहतरीन शो हमने ऑर्गेनाइज किया है, द 24th जून को हम लोग DPIM मुंबई पुलिस आइकॉनिक अवार्ड ये हम लोग करने जा रहे हैं 24th जून को, और 24th जून को हम लोग एक खूबसूरत एक अवार्ड शो लेके आ रहे हैं, जो DPIM सरस्वती बाई फाल्के, सावित्री बाई ये फाल्के द गोल्डन अवार्ड, ये एक हम लोग शो लेके आ रहे हैं, द नया शो द DPIM सावित्री बाई फाल्के द गोल्डन अवार्ड, ये दिन में होगा और शाम को अपना मुंबई पुलिस होगा, मुंबई पुलिस के तमाम ये बेसिकली उमंग होता है, उमंग बहुत बड़ा होता है, उमंग की हम तुलना नहीं कर सकते क्योंकि उमंग बहुत बड़ा होता है और बड़े बड़े स्टार आते हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मुंबई पुलिस के ऊपर उनको सम्मान करने के लिए। बेसिकली हम लोग हर संडे को हम लोग सम्मान करते ही है उनकी पुलिसों की, में जाके उनको हम सैल्यूट करते हैं, उनके काम को जज्बा को हम नमन करते हैं, एवरी संडे हमारा टीम पूरा जाके करते हैं, लेकिन पहली बार मुंबई पुलिस के लिए हम लोग एक सम्मानित करने जा रहे हैं ये 24th जून को। और ये मुंबई पुलिस के बेसिकली उमंग में क्या क्या होता है, मुंबई पुलिस को सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो ये जो है इसमें मुंबई पुलिस के साथ साथ में मुंबई पुलिस के फैमिली का हम सम्मान कर रहे हैं, मतलब मुंबई पुलिस को वहाँ पे खड़े रहेंगे उनकी जो जो हम जिस किसी को हम नाम चुनेंगे, लेकिन उनकी जो फैमिली है, जो वो कभी भी वो जाता है घर तो वो उठ के खाना गर्म करके वो खिलाते हैं, वो जब ड्यूटी आता है तो उसके 2 घंटा पहले उठ के वो खाना बना के डब्बा देते हैं उनको, तो बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसको कोई दिखाते नहीं, कब दिखाते हैं मालूम है, जब वो कोई शहीद हो जाता है तब उसकी फैमिली को याद करते हैं, जाके वहाँ पे राजनीति होता है, तो उसकी पहले क्यों नहीं आप उसको आप उनको सम्मान करते हो, शहीद होने के बाद उनके परिवार के पास जाके एक TRP पाने के लिए, राजनीति पाने के लिए आप जाके वहाँ पर बहुत सारे वादा करते हो, बहुत सारे वहाँ पर रोने का ढंग करते हैं वहाँ पर, लेकिन जिंदा होके जिंदा है हमारे शहीद नहीं हुआ है, उसके पहले क्यों नहीं उनकी उनकी फैमिली को उनकी परिवार को आप सम्मान आप क्यों नहीं कर रहे, तो पहली बार ऐसा होगा जो DPIM मुंबई पुलिस आइकॉनिक अवार्ड में जहाँ पर पुलिस के फैमिली का हम सम्मान कर रहे हैं, जो जो पुलिस का हम चुनेंगे मुंबई में उनकी जो परिवार है उनका हम सम्मान कर रहे हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि 24 मई को आप एक इवेंट कर रहे हैं दिल्ली में, कौन सा इवेंट है और दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, मुंबई में क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, मुंबई में इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई से भी मेरा प्यार है, लेकिन मैं दिल्ली एक बार कर लूँ, मुझे आडा ने बोला था कल्याण जी मुंबई छोड़ दिया था, मैंने बोला भाई मैंने नहीं छोड़ा मुंबई, मैं मुंबई में करने वाला हूँ, और धर्मेंद्र जी मैं मुंबई में करेंगे, मेरे तमाम मीडिया, मेरे तमाम बंधु, मेरे भाई हैं, मेरी जान है, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं आज बुलाया मैं सबको मिलने के लिए प्रेस कर, बहुत दिनों के बाद मैं मेरे भाई को, मेरी मीडिया को, मेरी जान को मैं मिल रहा हूँ, तो मैं बहुत टाइम से मैं धर्मेंद्र को बोल रहा हूँ भाई मैं अपन कुछ करते हैं मीडिया को बुला लिया, तो आज वो समय मिला, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया को, मैं धन्यवाद करता हूँ मुंबई की मिट्टी को, मुंबई के माता रानी को, मुंबई देवी को, महालक्ष्मी को और मुंबई के तमाम लोगों को, क्योंकि
मैं दिल्ली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में एक अलग था, मैं माहौल देखा मैंने दिल्ली में, लेकिन वहां पे कैसा मालूम है सर, वहां पे झूठ बोलता है, लेकिन वहां पे वो क्या बोलता है, वो पीछे गिराना, पीछे खींचना, या आपके बारे में कुछ बोलना, वो सब वहां पे नहीं होता, वो काम पे काम रहता है, झूठ झूठ बोल देता है, झूठा है, लेकिन ऐसा नहीं है जो बॉम्बे में जो होता है ना, अरे वो तो छुट्टियां है, वो तो ऐसा ही है, लेकिन ये चीज दिल्ली में नहीं होती। दिल्ली में क्या है मालूम है, दिल्ली में कोई किसी को खींचता नहीं है, यहाँ पे खींचने वाला बहुत है। मैं चाहता हूँ जितने भी शो कर रहे हैं वो सभी को मेरा नमस्कार है, मैं आपके साथ हूँ, मुझे बुलाओ ना बुलाओ मेरी दुआ आपके साथ है। आप शो करिए, आप अलग करते हो, मैं शो करता हूँ, मेरा ब्रांड अलग है, मेरी शो अलग है, मेरा नाम अलग है, तो मेरे पीछे मत पड़ो। मतलब मैं सभी जितने भी शो करते हैं मुंबई में सभी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि शो करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत करके वो शो को खड़ा करते हैं, उन सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। लेकिन आप जो शो करते हो वो अलग शो होता है, उसका अलग नाम होता है, लेकिन कल्याण जी के पीछे मत पड़ो घुस घुस के। तो कल्याण जी जो शो करता है वो अलग शो होता है, उसका अलग ही टाइटल होता है, उसका अलग ही थॉट होता है, वो थॉट तुम कभी जिंदगी में वो कर पाओगे, शायद नेक्स्ट जन्म में कर पाओगे। कल्याण जी थॉट अलग है, वो सोचता है कि समाज के लिए, देश के लिए, तुम वो कर नहीं पाओगे, तुम लोग पैसा कमाओगे। तो मैं कल इतनी बोलता हूँ कि भाई मैं इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे खींचने वाले बहुत हैं और पीछे बोलने वाले बहुत हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं जब दिल्ली चला गया तब स्टॉप हो गया है, लेकिन मैं जब स्टॉप हो गया तो मैं एक शो मान लेता हूँ मैं दिल्ली में 24th of May को, बहुत ही प्यारा शो है जिसमें धर्मेंद्र साहब ने मुझे संभाला था, उनकी पूरी टीम, पूरी मीडिया मुझे संभाला था। इज द वन शो, इज द वेरी बहुत अच्छा शो है वो मेरा हुआ था, होते होते वो रह गया था, और दो दिन में मैंने शो रंग शारदा से मैंने सीधा लेके आया था मैं ऑर्चिड में, आप सबको पता रहेंगे, दो दिन के अंदर शो मैंने ऑर्चिड में लेके आया था। वो शो का नाम है नारी शक्ति आइकॉन अचीवर है और बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर है। ये दो शो जो है मैं दिल्ली कर रहा हूँ 24th of May को, द नारी शक्ति आइकन अचीवर एवर और बिजनेस ग्लोबल आइकन अचीवर एवर, जिसमें हर स्टेट के 3 MLA महिला MLA, हर स्टेट के, जिस स्टेट में महिला MLA नहीं, जिस तरह मिजोरम में नहीं है, मणिपुर में एक है, मतलब जहां जहां कम है, जैसे छोटे जहां पे स्टेट है वहां पर ना महिला MLA नहीं है, लेकिन जिस स्टेट में महिला MLA है ऐसे 3-3 स्टेट से महिला MLA आएंगे और एक एक स्टेट से एक महिला MP, मतलब एक स्टेट से एक MP महिला MP और 3-3 MLA, मतलब वहां पर 25 MLA होगा वहां पर, और वहां पर कम से कम 15-20 MP होगा वो भी महिला। इसके अलावा फिल्म स्टार होगा वहां पर वो भी महिला होगा, क्योंकि 120 महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, इसमें समाज सेविका होगा, नगर सेविका भी होगा, उसके अलावा वहाँ पर कुछ किन्नर समाज को हम उनको सम्मान कर रहे हैं, जो कुछ एडवोकेट हैं वो भी महिला में हम उनको लेके आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रही है उन लोग। तो ऐसे कुछ मतलब अच्छा, मतलब जिन्होंने गांव से हम लोग एक महिला को लेके आ रहे हैं जिसका एज है 75 ओल्ड, जिन्होंने पूरी गांव को संभालते हैं, ऐसे महिलाओं को लेके आ रहे, एक महिला को वहाँ लेके आ रहे हैं जिसके दो पैर नहीं है लेकिन इस लॉकडाउन में 5 गाँव को संभाला, ऐसी महिला को लेकर आया। एक महिला है गुजरात में जिसने बाइकर गैंग बोलता है, बाइकर टीम बोलता है, बाइक चलाते हैं, और ऐसे काफी सारे अलग अलग क्षेत्र से हम लोग एडवोकेट से पुलिस से सब हम लोग लेकर आ रहे हैं। द नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड, इसके अलावा द बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड, जिस बिजनेस मैन ने अपनी माँ बाप, उनकी जो माँ बाप है, उनकी माँ बाप ने जिस तरीके से कोई ऑटो चला के, कोई घर में पोता मार के, कोई भाजी बेच के, कोई ठेला लगा के, लेकिन आज एक सफल, उसकी जो उनको पढ़ाया लिखाया, आज सफल बिजनेसमैन बना है, आज वो सफल बिजनेसमैन बना है। तो ऐसे बच्चे को, ऐसे बिजनेसमैन को हम सम्मान कर रहे हैं, वो भी उनकी माँ बाप के हाथों से। मतलब पहला ऐसा शो होगा जो जिस माँ बाप गुरु के वजह से हम यहाँ तक आए हैं, तमाम जो मीडिया का मीडिया है, जो उनकी माँ बाप के वजह से, उनके गुरु के वजह से आप हो, चाहे आप कैमरा पकड़ के खड़े हो, लेकिन आपके कोई ना कोई गुरु होगा, कोई ना कोई फील हो, ये होगा गुरु। तो वो जो गुरु को आप भूल जाते हैं, माता पिता को आप भूल जाते हैं, जब हम स्टेज पे
जाते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अवार्ड लेते हैं, माँ बाप को नहीं लेके आते। तो ये पहला ऐसा अवार्ड होगा जहां पर बिजनेस ग्लोबल आइकॉन अचीवर अवार्ड में माँ बाप आएंगे और माँ बाप के हाथों से उस बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा। इज अ न्यू कॉन्सेप्ट हमने लेके आया, साथ सबको अच्छा लगेगा, इमोशन होगा वहां पर, बहुत सारे बातें होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे बातें होंगे वहां पर, क्योंकि पहला ऐसा शो होगा। इस टाइप से हम लोग ये शो को 24 मई को हम करने जा रहे हैं। ये भी कहना चाहूँगा कि आप और वीरू जैन की जोड़ी बहुत कामयाब रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस दोस्ती के लेके, हर चीज़ में साथ देते हैं आपका, एक शोज हो गए, इवेंट्स हो गए, जो भी चीज़ होता है, जो भी साथ करते हैं, क्या मानते हैं इस दोस्ती के बारे में, कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज ये है, जो हम लोग अंडरस्टूड है, हम दोनों, मैं जो बोलता हूँ वो समझता है, वो जो बोलता है मैं समझता हूँ। काफ़ी लोगों ने तोड़ने कोशिश भी किया, काफ़ी लोगों ने, वो चुपिया कर लिया जी का, उसके साथ पता लगता है तो अपना काम कर, अपना बिजनेस कर, क्या शो वो करते रहता है। काफ़ी लोगों ने बोला, बोलता भाई मैं तुम्हारा साथ हूँ। मैं जब वीरू को जब मिला था पहली बार, तो मैंने उसको एक ही बोला था, मेरा साथ देना, क्योंकि मैंने बहुत दुख झेला हूँ मैं इस मुंबई शहर में। काफ़ी लोगों को मैंने डांस सिखाया, काफ़ी लोगों को मैंने असिस्टेंट था मेरे डांस से लेके अभी तक, मैंने काफ़ी लोगों को मैंने साथ दिया, काफ़ी लोग आज गाड़ी में घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने बोला वीरू साथ देना मुझे, खाली देखना मैं क्या धमाल करता हूँ आने वाले कल, क्योंकि मैं घोड़ा हूँ ना, गधा नहीं हूँ। ना घोड़ा कभी सोता है, ना कभी थकता है, ना कभी वो रुकता है, उससे भागते रहता है। और मेरा भागना जो होगा वो होगा ईमानदारी, वो नहीं जो घमंड का भंगना, माफ करना। मैं आज भी पैर पड़ता हूँ, कल भी मैं पैर पड़ता हूँ, कल भी आज भी हाथ जोड़ता हूँ, कल भी मैं हाथ जोड़ूंगा आप सभी को। लेकिन वो भागना होगा मेहनत का भागना, ईमानदारी का भागना, वो नहीं है जो मैं घमंड में भागेगा, नहीं भागेगा घमंड, रावण का नहीं होना, हमारा क्या होगा सर। तो जब मैंने बोला उनको, मैंने बोला वीरू मेरे को साथ देना, और जब हमने टीम बनाया, जब टीम टूटा, मेरा डीपीआई का टीम जब टूट रहा था, तभी भी मुझे एहसास मिल गया था वीरू ये टूटेगा। और ये सब जो मुंडू हमने इतना प्रमोट किया ना, होर्डिंग्स में, बैनर्स में, पोस्टर में, ये सब साले मुंडू जाएगा मेरे को छोड़ के, इसको मैंने पहले बोल दिया था। मैं वो पहले एक महादेव का पता नहीं क्या है, मुझे पता नहीं है महादेव का क्या है, वो मुझे बोल ही देता है तो ये साला जाएगा। और मैंने कैंडिडेट है, मैं वीरू को 3 से 4 महीने का, मतलब ये सब साले मुंडू को जो आज मैं ऊपर होर्डिंग में लगा रहा हूँ, पोस्टर में लगा रहा हूँ, ये सब साले छोड़ के जाएगा, उन लोग अपना एक ग्रुप बनाएगा। लेकिन वो सब छोड़ के गया, वो जहाँ भी रहे अच्छा रहे, महादेव उसको अच्छा रखे, सुख रखे, अच्छे से रखे, बहुत पैसा कमाए, मुझसे ज़्यादा पैसा कमाए, पैसा क्या करना सब यही करना है, उससे भी ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा कमाए। लेकिन खाली इतना ही बोलना है, जैसा मुझे गद्दारी से धोखा दिया ऐसा किसी को मत देना। कल्याण जी है, धोखा बहुत खाया है, बहुत गिर के उठा है, इसको गिर के उठना आता है, बाकी पता नहीं कोई अगर गिर गया तो उठना नहीं आता तो भाई हाफिल हो जाएगा, मर जाएगा भाई, तुम्हारा नाम पे आएगा। तो मैं अगर इतनी बोलता हूँ, इसको, इस इंसान को दिल्ली में गया, दिल्ली में भी बहुत लोग बोला इसको, अरे यार तुम दिल्ली आते हो कल्याण जी के साथ, इतने समय रहते हो यार, इनके परिवार में भी जाके खाना खा के, घर में खाना खा के इसके माँ बाप को बोलते हैं यार तुम्हारा किसके, तुम्हारा बेटा कल्याण जी के साथ में जा रहा है यार, क्या है, कुछ तो करने बोलो इसको, काम धंधा करने बोलो, क्या वो जाता है ऑफिस, वहाँ बैठता है, वो शो करते रहता है, इसमें थोड़ी कोई लाइफ है। आज मैं बता रहा हूँ कैमरा के सामने जो वीरू को बोलता था, आने वाले 2 साल तुम लोग ना घमंड से नहीं बोल रहा, मिल भी नहीं पाओगे इस गरीब आदमी, ये जितनी बोलता था ना वीरू को मेरे खिलाफ 2 साल से, जैसे एमएनएस पार्टी राज ठाकरे साहब ने बोला जो 3 मई, तो मैं आपको बता रहा हूं 2 साल के बाद घमंड से नहीं, माफ करना, ये जितनी ही बोलते थे ना मिल नहीं पाओगे, अब तुम लोग खुद ही बोलोगे भाई, वीरू को बोलोगे भाई कल्याण जी को मिलना है, वो गरीब आदमी है ना, उसको मिलना है, और मैं गरीब आदमी बन के ही रहेगा, मेरा नाम भी रहेगा गरीब आदमी, मैं गरीबों का एक्टर भी रहेगा, गरीब आदमी भी रहेगा, लेकिन तभी मैं ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा वाला नमस्ते, एक होता है ऐसा वाला, एक होता है ऐसा नमस्ते।
तब मैंने वीरू को बोला ऐसा नमस्ते करना, फिर से आएगा फिर से पूछ मारेगा। तो दो साल जितना बढ़ना है मारो, दो साल में कल्याण जी क्या करके देगा इससे महादेव को पता है, क्योंकि दो साल का पूरा लिस्ट मेरा यहाँ है और मेरा यहाँ है और मेरे महादेव के पास है। तो ये दो साल का जो मेरा टारगेट है, एक ही आदमी गिरा सकता है, एक ही आदमी तोड़ सकता है, एक ही आदमी मुझे गिरा के मार सकता है, वो से महादेव तुम लोग कोई नहीं कर सकते। और दो साल में करके दिखाएगा, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा मुंह में तुम लोगों का तमाचा मारेगा जिस दिन मैं कुछ करके दिखाएगा। जो बातें की है आपके बारे में और जो आपको भड़काने वाले लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आपने बताया, ये अभी से नहीं, जब से जुड़ा तभी से चल रहा है, ये लगभग दो साल पहले की बात है। जिन्होंने जोड़ा था उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, और एकाधी बार मुझे पहले मन में ऐसा आया भी था मैं क्या कर रहा हूँ, पर जैसे ही मैंने इनका काम देखा, इनके साथ जाना चालू किया, मुझे लगा इंसान दिल से काम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं। और जैसे लॉकडाउन के समय में सब घर बैठे थे, या अकेले जो इन्होंने शुरुआत की थी, जैसे बाहर जाना, घर घर जाना, गली गली में जहाँ पे बैनर लगा हुआ था वहाँ पे जाना, लोगों के लिए राशन देना, तो सामने आपको खुल के मैंने काम देखा है। लोग तो काफ़ी लोग बोले, पर जो बोलते हैं उन्होंने कुछ किया नहीं था, जो घर बैठे से बात कर रहे थे, मैंने सामने देखे उनके साथ काम किया और देखा साथ में कि जो बोल रहे सही में काम कर रहे हैं। और ये हकीकत है, महादेव के ऊपर इतनी कृपा है, और गॉड गिफ्ट जिसे कहते हैं, वो पहले इनको कुछ अलर्ट हो जाता है कि ये होने वाला है, ये करने वाला है। और जैसे लोग कुछ जिन्हें गुरु कह रहे थे, मेंटर जैसे मानते थे, उन्होंने भी धोखा दे दिया, पर कोई नहीं, महादेव तो ऊपर वाले देख रहे हैं क्या सही क्या गलत है। और इनकी मेहनत को, इनके काम को मैं सैल्यूट करता हूँ, और आने वाले हर समय में, हर मुश्किल घड़ी को अभी ऊपर नहीं दिखाएगा, जो भी अभी अच्छा ही होगा, मेरा साथ हमेशा इनके साथ रहेगा और हमेशा इनके साथ ही हूँ, चाहे जो भी आगे बोलते, हमें कुछ किसा फर्क नहीं पड़ना है। मतलब ये भी जानना चाहूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, शो ऑर्गेनाइजर भी और अभिनेता भी हैं, तो अभिनय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं अभी या करना चाह रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हाँ, मैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं मेरे भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे मीडिया को जो मेरी बातों को आप लोग झेल रहे हो। तो मेरा शो के पहले में एक डांस मास्टर था, आज भी हूँ, आज भी डांस करता हूँ, और महादेव के आशीर्वाद से जहाँ भी करता पता सब रुक जाता है, मेरा वीडियो लेता है, तो वो मेरा खून में है, गॉड गिफ्ट है, तो मैं महादेव को नमन करता हूँ। मैं इसके अलावा मैं एक वीकली पेपर में चलाया करता था, आज मैं फर्स्ट से शुरू कर रहा हूँ दार्शनिक मुंबई। उसके बाद मैंने एक्टिंग करना शुरू किया, मेरा सफ़र ढूंढ लेंगे मंजिल आपसे शुरू हुआ, उसमें काफ़ी से लोगों ने साथ दिया, जैसे हिमांशु जुबिन वाला, संजय भूषण पटियाला और काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे प्राइड के आउटडोर मीडिया पार्टनर जो लखनी जी, जिन्होंने 30 वोटिंग दिया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे साथ दिया था, और तमाम मीडिया वाले यहाँ पे जितने भी हैं, सब मीडिया वाले मेरे को उस टाइम से मुझे साथ दे रहे हैं जो यहाँ पर है मेरे पास। तो मेरा फिल्म के बाद, वो फिल्म के बाद मैंने और भी 3-4 फिल्म मैंने बनाया, मेरी होम प्रोडक्शन, मैंने काफ़ी सारे वेब सीरीज मैंने काम किया, जिसका एक वेब सीरीज अभी रिलीज हुआ है जिसका नाम है डाकू, विठल सर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक फिल्म आ रहा है, एक वेब सीरीज आ रहा है पाताल पानी, जिसमें जैन खान है, काफ़ी सारे बड़े स्टार है, जिसमें राज आशु जी को मैं नमन करता हूँ। काफ़ी सारे और भी वेब सीरीज मेरा आ रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं एक दो फिल्म मैं बनने जा रहा हूँ। एक फिल्म का नाम है, क्योंकि मीडिया को लेके मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, एक फिल्म है जिसका नाम है भोजपुरिया डांसर। एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक फैमिली पैकेज एक फिल्म होगा, जिसमें जो डांस का जो मेरा पैसन है, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है, जो मैं सिखाता हूँ, मैं करता हूँ स्टेज पे, मैं जब पर्दे में भी आए, तो पहली बार भोजपुरी फिल्म मैं जा रहा हूँ बनाने के लिए, जिसमें संजय भाई मुझे बहुत साथ दे रहे हैं, और एक बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, भोजपुरिया डांसर। इसके साथ साथ में शूटिंग हमारा यूपी में है, इसके साथ साथ में मेरा एक फिल्म और एक है जिसका नाम है जय श्री राम। एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, द रियल पार्ट कथा यूपी, एक जय श्री राम और एक हिंदी फिल्म होगा, और भोजपुरिया डांसर जो है ये भोजपुरी फिल्म होगा, लेकिन अवधि होगा, भोजपुरी अवधि होगा, जिसमें भोजपुरी हिंदी दोनों मिक्स रहेगा,
तो ये दो फिल्म का शुरुआत हम 24 मई को कर रहे हैं, मतलब उसका पोस्टर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारे राजू सर जो है वो डायरेक्शन कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म को, और हिंदी फिल्म का अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन राजू सर जो है मेरे जो भोजपुरिया राजू सर ने काफ़ी सारे भोजपुरी फिल्म उन्होंने किए हैं, कम से कम नहीं तो 50-60 फिल्म किए हैं, बड़े बड़े स्टार को भोजपुरी के स्टार को उन्होंने आगे ले किया है। तो भोजपुरिया डांसर जो मेरी फिल्म है उसमें राजू सर हमारे उसमें हमें साथ देगा, बहुत अच्छा जुगलबंदी हम दोनों का भाई का रोल है वो, मुझे मेरे भाई मुझे किडनी बेचकर मुझे बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, तो थैंक यू सो मच मेरे को झेला आप लोगों ने, मेरी बातों को आपने कैप्चर किया अपने कैमरा में, एंड थैंक यू बोलना चाहता हूँ खाली मैं आप सभी को जो आशीर्वाद दीजिए आप सब लोग, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे DPI के तमाम टीम मेंबर वैरुजैन, मेरा अंकिता लवली वाइफ, मेरे मेरे लीगल एडवाइज़र सैलेश दुबे जी, मेरे रविंदर जी, मेरे ऑल स्टेट प्रेसिडेंट जितने भी मेरे स्टेट हैं वो सब सभी के स्टेट प्रेसिडेंट, मुंबई के स्टेट प्रेसिडेंट, महाराष्ट्र के स्टेट प्रेसिडेंट, ये महाराष्ट्र के ये प्रेसिडेंट, इसके अलावा DPI के तमाम जितने भी पद में है उन सभी मेंबर को मैं धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ एक अजय सहाय जी को जिन्होंने बहुत साथ दिया मुझे, जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है हमारे NGO का, और इसके अलावा जो हमारा काम जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करते रहेगा, हमारा जो शो हो रहा है वो शो होते जाएगा, इसके अलावा मैं काफ़ी सारे और भी चीज़ मैं लेके आएंगे और दिन के दिन आपको मिलते जाएगा, और बस दुआ करो 24 मई को मेरा शो अच्छा हो, और मैं धन्यवाद करता हूँ सभी को 24 जो मेरा मार्च को जो मेरा शो हुआ DPI आइकोनिक अवार्ड, उसका बहुत ही प्यारा शो हुआ, थैंक यू सो मच आप सभी को, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे, कल्याण जी ने एक सफल इवेंट ऑर्गेनाइज किया DPIF आइकॉनिक अवार्ड, साथ ही DPIF मिस एंड मिसेस इंडियन कल्चरल फैशन शो दिल्ली में आप में से सहयोग करते हैं उनका, क्या कहेंगे उनके बारे में, सभी देख रहे हैं कि DPIF जो है पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम करता आ रहा है, जैसे कि कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाया, लेकिन मेरी शुभकामनाएं कल्याण जी के साथ में थी, और आगे भी होने वाले प्रोग्राम के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है इससे ये प्रोग्राम और ज़्यादा सफल हो पाता है, और जो अभी प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा बहुत ही सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और मैं कई सालों से भाई के साथ में लगा हूँ, और जो दिल्ली में शो किया सक्सेसफुल हुआ और उसके लिए बधाई देता हूँ मैं कि ऐसे ही आप दिन रात बढ़ते रहें सफल रहें, और एक फिल्म मैं करना चाह रहा था बहुत दिन से, काफ़ी पहले मैंने बोला था कि भाई कुछ करना है अच्छा करना है, तो भोजपुरिया डांसर जो करने जा रहे हैं हम लोग, और भाई को जो भी मेरे से मतलब काफ़ी एक्साइट सब्जेक्ट है और बहुत इमोशनल दो भाइयों का सब्जेक्ट है, और ये लोग दोनों बहुत ही मेहनती कलाकार, आप तो जानते ही हैं गरीबों का एक्टर है मगर वो स्टार है, और काफ़ी कोशिश काफ़ी लोगों के साथ में, मुंडे साहब भी जानते हैं पहले से ही कि काफ़ी एक्टरों को पुश किया है जितना अपने से होता है, ईमानदारी आज तक ईमानदारी से चल रहा हूँ, वो डायरेक्टर नहीं हूँ मैं कि सुबह बोलते हैं शाम को भूल जाते, मैं उस एक्टर के रग रग में घुसने की कोशिश करता हूँ, उस सब्जेक्ट में घुसने की कोशिश करता हूँ, जैसे रवि साहब थे तो मेरा नेक्स्ट जो है रवि साहब ये बन जाए। तो कल क्या करना चाहेंगे शैलेश जी, आपके हमेशा सहयोग करते हैं साथ ही राजू जी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, उसको कितना उत्साहित है? हाँ, मैं शैलेश साहब जो है मेरा बहुत बड़े बड़े भाई है, मेरे गुरु है, मैं जब उनको मैं मिला था तो मैं ऐसा लगा देखा जब मेरा मतलब पहली बार हम लोग मिल रहे, इनकी दोनों भाई जब भी सुधीर जी और शैलेश जी जब भी मेरा प्रोग्राम हुआ दोनों भाई जिस तरीके से टाइम पे पहुँच जाना, वहाँ बैठना, वहाँ पे सहयोग करना, आज मैंने बुलाया निकला जी मैं थोड़ा सा मेरा जाना है किधर, लेकिन मैं पक्का आएगा तुम्हारे पास, तो टाइम निकल के जो मुंबई शहर में एडवोकेट हैं आज उनके बहुत सारे उनके काम होते हैं सब टाइम निकल के मेरे पास आ जाते हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं नमन करता हूँ सर आपको, और मैं ये भी बोल दूँ आप विजय के सामने DPIF अगर
बना है ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो कोई लेके आया अगर, तो इस एनजीओ को रजिस्टर करने में सबसे बड़ा हाथ अगर कोई है तो इस इंसान के पास है। मैं इसलिए खाली जाकर सबके सामने मैं ये जितने भी इंडिया है सामने मैं खाली बजाता हूँ, क्योंकि सेलेस साहब के वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बना। बहुत दिक्कत आया, उधर भी दिक्कत आया, जहाँ पे भी हमें नाम डाला था उधर भी दिक्कत आया, क्योंकि इस नाम का आपको नहीं मिलेगा। जब मैंने 2019 में शो करने लगा उधर भी दिक्कत आया, 6 जगह मेरा केस हो गया था पुलिस चौकी में। उसके बाद भी मैं उसके बावजूद मैंने शो किया था रामशारदा में 2019 में, तो दिक्कत तो मुझे आता ही है और मैं तो लड़ाई करने वाला बंदा हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुधीर जी को, एडवोकेट को और शैलेश जी को, जो दोनों भाई जिस तरीके सपोर्ट करा ऐसे सपोर्ट करे, और हर वक्त मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहिए और आपकी पूरी परिवार मेरे साथ रहता है, कि आप कभी भी लेट जाते हो घर में तो आपके परिवार बोलता है कल्याण जी के पास गया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड जो है हम सबके साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में, ये जिंदगी भर रहे। बाकी कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग एक जुड़े हैं, हम लोग एक एनजीओ के अंदर हैं और आप पूरी एनजीओ का वाइस प्रेसिडेंट है बेसिकली देखा जाए तो, और इसके बाद आप लीगल एडवाइज़र हैं नेशनल में, प्रवक्ता भी है आप, तो बहुत सारे भार है आपके कांटों में DPIF का। और राजू सर को मैं इतने बोलता, बहुत टाइम से हम सोच रहे थे, एक साल से सोच रहे थे एक फिल्म हम लोग बनाए, तो मैंने बोला हिंदी में तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कम से कम भोजपुरी में ट्राई किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, जमाना है, मैं कोई बड़ा खूबसूरत नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा हगलाता हूँ मैं बीच बीच में, तो मेरा सच्चा ही है मैं हगलाता हूँ, मैं कभी कभी बात थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। अगर जाना भाई हगला बहुत बड़ा स्टार है आज के डेट में, हाँ वो तो शाहरुख खान है ही, लेकिन भाई मैं सबके सामने बोल दूं, मैं इतना जब मैं बात करता हूँ तब कभी मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली का है, मतलब मेरी गांव में मेरे परिवार में मेरे भाई मेरे पापा मेरे सगे वाले सबको है। हाँ मतलब एक बात पानी ला के वो दो बोल का पानी आज तक आ जाता है, तो इतना तो मेरे पास हुआ नहीं है, तो पता नहीं बहुत लोग बहुत कुछ वो सोचता भी है, अरे क्योंकि हगलाता है बराबर ढालक बराबर बोल नहीं पता है मीडिया के सामने, ये क्या एक्टिंग करे, कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं है, एक बार ट्राई भी कर लेता हूँ मैं। तो भोजपुरिया डांसर जो है ये मैं फिल्म बना रहा हूँ, डायरेक्टर साहब है, और ये फिल्म का 24 मई दिल्ली में बड़ा स्टेज होगा, वहाँ पर हम जय श्री राम और ये दोनों फिल्म का भोजपुरी और हिंदी फिल्म का, वैसे भोजपुरी अवधि फिल्म है, ये दोनों फिल्म को हम लेके उसका पोस्टर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इसके बाद आने वाले कल मतलब जैसा मई में करेंगे हम लोग, जून में बारिश 15 के बाद आएंगे, तो उसके पहले हम लोग शूटिंग का शेड्यूल हम लोग बना रहे हैं। उसका शूटिंग कुछ दिन दिल्ली में होगा, लखनऊ में होगा और अयोध्या में होगा। चलिए कल्याण जी अपना कीमती उतनी धन्यवाद, और भविष्य के लिए जो भी योजनाएं हैं उसमें सफल हम। थैंक यू। अपना कैमरा दीजिए सीधे, और जाना चाहूंगा कल्याण जी जाना ने एक सफल शो आयोजित किया दिल्ली में, क्या कहना चाहिए उनके बारे में, उनके शो के बारे में। फर्स्ट ऑफ तो कल्याण जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, और इनके शो तो मैंने काफी सारे देखे, फर्स्ट हम लोगों ने एक इवेंट किया था ना साथ में, हाँ तब से जानती हूँ, काफी टाइम हो गया, और ये तो फर्स्ट थिंग के बहुत अच्छे इंसान है, सबका भला करते रहते। और ये भी हम चाहूंगा कि आप प्रोजेक्ट कैसा ही बनने वाली है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या किरदार निभानी है, दो प्रोजेक्ट इसका हिस्सा बनने वाली है, तो उसका टाइम लगेगा। अभी कल्याण जी के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, शुरू होने वाला है, उसमें मेरा सेकंड लीड में जो भी और रहेगा वो। और खुद क्या कुछ बताइए, क्या किया आपने पहले, क्या करना चाह रही हैं आगे? अच्छा मैंने एक साउथ की मूवी कर रही हूँ फिलहाल तो, और एक वेब सीरीज की है बस, और अभी कल्याण जी के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाली हूँ। अच्छी लड़की है, अच्छी मॉडल है, अच्छे एक्ट्रेस है, अच्छे डांसर है, तो काफ़ी सालों से हम लोग जुड़े हैं, तो मैं जो है भाई क्या होता है राजू सर क्या होता है नया लोगों को मौका देते हैं और स्टार बनाते हैं, तो जो नया लोग जिनको बेसिकली जिनको काम नहीं मिल रहा है उनको हम काम दे रहे हैं, और जिनके पास काम है वो तो पता ना घमंड से है, तो जिनके पास रियली काम नहीं है उनको हम बुलाए काम दे रहे हैं, और जिनके पास काम है उसको तो मेरा नमस्कार है, क्योंकि उसको वो धन में दे नहीं पाएगा,
जो वो धर्म मांगेंगे। तो ये शूटिंग हम लोग बहुत जल्द हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही प्यारा दोनों फिल्म है, दोनों फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसका स्टोरी लिखा जा रहा है और मतलब लिखा कि मतलब आधा तो हो ही गया है, बस शूटिंग हमें शुरू करना है बहुत जल्द, क्योंकि इसी साल में दोनों फिल्म को हमें लेके आना है और इस फिल्म का पूरा मीडिया जो है आप लोग संभालोगे, पूरी आप लोग देखोगे, आज जितने भी आज आए हैं मीडिया, आपको पता ही है मेरे शो में पता पता मीडिया आता है और दिल्ली में, हाँ एक बात बोल दूं मैं, दिल्ली में जो शो होता है ना उसमें मीडिया आते हैं और भाग जाते हैं, इस विषय में मैं मीडिया को धन्यवाद करता हूँ मेरा बॉम्बे के, तो तमाम जो मीडिया है इस मामले में मीडिया में बॉम्बे का मीडिया नंबर वन है, बॉम्बे की जो मीडिया है उनके मैं सबसे तारीफ करता हूँ, दिल्ली की मीडिया ना रुकता है, आते हैं भाग जाते हैं, तो बॉम्बे का जो है भाई नंबर वन है, जब तक बोलते हैं वो रुकते हैं, वो मेरे साथ वो साथ देते हैं, थैंक यू सो मच, हम धमाल करेंगे, थैंक यू, धन्यवाद मैडम है, सर है, मेरू है, और बाद में तो हम करेंगे भाई धमाल, गरम गरम चाय।